कृष्णा जी कुटिया जी, आप अगर प्रेयर लाइन में है तो गीतों के साथ हमें आशीष करें। परमेश्वर को स्तुति हो, प्रभु सबको आशीष दे। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बजाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बजाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बजाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बजाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे जो मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जो मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु बजाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु बजाया तूने मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समेत, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समेत, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया,
सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया मुझे बजाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। Praise the Lord. Thank you so much for that song. बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर गीत परमेश्वर के दास दासी के द्वारा परमेश्वर ने हमें सुना है। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, यही है परमेश्वर का उद्देश्य। सदा परमेश्वर की स्तुति और सेवा करते रहे, ताकि क्योंकि क्यों हम परमेश्वर की सेवा स्तुति और करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें बचाया। हालेलुया, उसने अपनी जान देकर हम लोग को बचाया, हमारे पापों से बचाया। हम कितने गिरे हुए लोग थे ताकि और हम कितने गड्ढे में पड़े हुए थे, ताकि तभी परमेश्वर ने हमें परमेश्वर ने हंसकर अपने सौ पुत्र को बेचकर हमें बचाया। इसके लिए हम क्या करना चाहिए, सदा स्तुति के साथ हम सदा में हम सेवा के साथ परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर इससे हमें प्रसन्न होकर आशीष दे। उसका कितना अच्छा है, और सुनने और जब हम गाते समय उसका आत्मिक अवस्था आत्मिक अर्थ को हमें पता कर चलता है कि कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। द्वारा परमेश्वर ने हमें आशीष किया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर सिस्टर को भी बहुत से आशीष दे। हम आगे की ओर इस प्रेयर लाइन को बढ़ाएंगे। अभी हमारे बीच में पास्टर बाबू शामिल बड़ा से हमारे बीच में है। अभी इस समय मैं उनको निमंत्रित करता हूँ कि परमेश्वर के वचन से पास्टर बाबू शामिल। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा हाथ ऊंचा कर अपना अपना स्थान पर हम परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य परमेश्वर का नाम पाकमान जा। इस प्रेयर लाइन को आज अगुवाई करने वाला प्रभु का प्रिय दास सांचरियान प्रभु का दास और बाकी जुड़े हुए हरेक प्रिय दासी दासों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। खास तौर पर इस प्रेयर लाइन का दर्शन पाया हुआ प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर और बीजी सिस्टर, बाकी मम्मी, सारे भाई बहन सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। एक दर्शन के साथ अपना बहुमूल्य समय, अपना तंदुरुस्ती, टैलेंट सब खर्च करते हुए दूसरों का भलाई के लिए जो सेवा करता है, एक मामूली बात नहीं है, बहुत एक सैक्रिफिशियल लाइफ है उनमें। प्रभु उनको जरूर क्यों आशीष नहीं देगा, जरूर देने वाला है। और इसी प्रकार जितने प्यारे लोग जुड़े हैं अपना बहुमूल्य समय को खर्च कर आपको भी प्रभु जरूर हमें आशीष देने वाला है, क्योंकि हम दूसरों का भलाई के लिए जान पूछ कर हमारा जीवन को समर्पण करते हुए उपयुक्त पात्र बनाते हैं तो परमेश्वर वो बहुत प्रसन्न हो जाता है। आज प्रभु का दास हालेलुया अगुवाई करते प्रभु का दास को प्रभु आशीष दे। लेकिन मैं आज बोझ से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ, भारी दिल से आपके सामने हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारा देश में इतना बड़ा समस्या, संकट, कष्ट चल रहा है। कुछ समय पहले आपके उधर इस प्रकार का अवस्था था, तब हम बहुत चिंता में थे, लेकिन अभी आप लोग चिंता में हैं, क्योंकि आपको बहुत चिंता है हमारे इधर क्या क्या हो रहा है ये सुनकर, ये देखकर। इसलिए हम दोनों आपस में बोझ बांटने वाला है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। अभी सुबह हमारा बड़ौदा का सब प्रभु के दासी दासों को मिलाकर यूपीएफ बोलता है संगठन, उसमें हमने सुबह 6 बजे से 7 बजे तक प्रार्थना रखा है। और एक आंटी जो काफी समय से हमारे साथ आराधना करती थी, आज सुबह वो प्रभु में चली गई। और दूसरा सिस्टर बहन के लिए हम प्रार्थना करते थे कल कुछ मोड़ करके बॉम्बे का, उसके लिए वो भी प्रभु के पास चला गया। ऐसे तो ऐसे खड़ना होती रहती है और प्रभु अपना मर्जी से काम करते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकता है, लेकिन हम सहन करना, इसका अर्थ ये भी नहीं हम प्रार्थना बंद करना
हम प्रार्थना चालू ही रखेंगे जब तक हमारा जीवन है, जब तक यीशु मसीह आएगा तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। कल मैंने एक मेरा मित्र प्रभु का दास के साथ दिल्ली से बात कर रहा था, उसने कितने सारी बातें बताई। हमारे भी हमारे इधर भी यही है, लेकिन उधर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक महीने के अंदर 100 कितना नया कब्रस्तान उसने देखा। कल वहां पर भी एक बहन का मृत्यु हुई, दफन विधि के लिए जब गया था, एक महीने के अंदर 100 से ज्यादा, और कितना एक कब्रस्तान में, वो कितना कब्रस्तान है दिल्ली के अंदर, बहुत सारे है। इस प्रकार का समस्या है। और रविवार को आराधना के बीच में जूम में कुछ नर्सेस लोग ऐसा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, उनके सामने 25 से अधिक लोग जो कच्चा बोलते हैं कच्चा अवस्था में मरते हुए देखे, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। इतना एक जगह में, हर कई जगह में ऐसा घटना हो रहा है, तो क्या करेंगे अभी इंसान। जैसे हमने प्रभु के दास ने बताया, हमारा प्रार्थना में हमें प्रभु के दास ने याद दिलाया, हम अपना जो आंख खोलना है, सच्चाई को समझना है, हमारा कमी खट्टी को कबूल करना है, ये हमारे आज का एक बहुत बड़ा जरूरियत है। लेकिन फिर भी लोग अपना गमन को नहीं छोड़ता है और अपने आप को सब कुछ समझता है, इस कारण से बहुत दुख दुख की बात होती रहती है। और आप लोगों का प्रार्थना जरूर सहारा है, प्रार्थना में लगे रहिए, बने रहिए, प्रभु आपको भी जरूर आशीष दे। इसलिए आज मैं प्रार्थना के बारे में ही दो शब्द बोलकर आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं खुद प्रोत्साहन पाना चाहता हूँ। हालेलुया। हम सब लोग जानने वाला वचन है कि आपको कपत्री 5:13 में इस प्रकार लिखा है, यदि तुम्हें कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। अभी आनंद के समय पर गाना आसान है, लेकिन दुख के समय पर हालेलुया प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। आमेन। और उल्टा भी है, कुछ लोग आनंद के समय पर बहुत आनंद के साथ मगन के साथ भजन गाएंगे, लेकिन दुख के समय पर चुपचाप हो जाता है। नहीं तो कुछ लोग दुख के समय पर ज्यादा प्रार्थना करता है और आनंद के समय पर प्रार्थना के लिए समय नहीं निकालता है। ये दोनों गलत है। मेरे अनुभव से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से लॉकडाउन शुरू किया तब से मेरी इच्छा यही था, मैंने आपको बताया, हम आराम से सोने वाला नहीं, और सोने से ज्यादा समय प्रार्थना के लिए, प्रार्थना बोलने से प्रभु दे दो ये नहीं, हमको पता है आराधना के लिए, उनको स्तुति करने के लिए, उनको महिमा देने के लिए हमारा बहुमूल्य समय को हम बराबर खर्च करना है, क्योंकि उनको आदर करना, उनको महिमा दिलाना हमारा सबसे बड़ा जिम्मेवारी है। जैसे प्रभु का दास ने बताया, हम कहां पर थे, अभी कहां पर हमको लाया, इसलिए हम कैसे चुप रहेंगे। आमीन। जैसे मैंने अनुभव से गाया है, जो भलाई हम प्रभु ने मुझ पर किया, ये स्मरण करके मैं कैसे चुप रहूं। हालेलुया। तेरे चरणों पर लाता हूँ स्तुति और आराधना, ये मेरा अनुभव है। और अभी ऐसा प्रार्थना चालू है, और 4 बजे उठकर आराधना स्तुति शुरू किया है, और आगे मीटिंग के बाद, ऑनलाइन मीटिंग के बाद भी प्रार्थना में बैठना है। फिर दोपहर को एक दूसरा भाई के साथ, जो सजी का वाइफ बीमार है, वहाँ का एक हमारा विश्वास भी उधर गया हुआ है, उधर नौकरी के लिए, उनके साथ प्रार्थना में बैठते हैं। फिर शाम को कभी भी समय मिलता है तो प्रार्थना में बने रहते हैं। और क्या हम कर सकते दूसरों के लिए, अभी ऐसा माहौल आ गया है कि हम किसी से मिल भी नहीं सकता है और उनका दुख में जाके मिल नहीं सकता है। हालेलुया। यदि कोई मर गया तो कब्र दफन विधि में जा नहीं सकता है, लेकिन हम एक काम कर सकता है, परमेश्वर से विनती करें कि हालेलुया परमेश्वर अपना हाथ को लंबा करें और उनको छुड़ाए, बचाए, और जो दुख में है उनको तसल्ली और सांत्वना दिलाए। यही सेवा सबसे मुख्य है, इसलिए हम भी आज जैसे पढ़ा है, हालेलुया जो दुखी है वो प्रार्थना में बने रहे। आप पवित्र आत्मा मुझे एक दृष्टांत जो हम सब लोग जानते हैं वो याद दिलाया, मरकुस के सुसमाचार, मरकुस 10:44 से लेकर, हमें हम सब लोग जानते अंधे बर्तिमाई के बारे में, और 44 तो वचन में ऐसा लिखा है कि वो बेचारा
यीशु मसीह ये दिखो में आया और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हालेलुया। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार करने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब ये लोग ये खड़ना जानते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक जो बात मुझे स्पर्श किया है वो बताना चाहता हूँ। और बर्तिमाई का प्रार्थना इतना गहरा था कि यीशु मसीह को वो रुकवाया। यीशु मसीह को रुकने लायक प्रार्थना करने के लिए मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा कई बातों का जरूरत का उत्तर अभी भी बाकी है, मिलना है। हम सबों के जीवन में ऐसा है, और इसका अर्थ ये नहीं हमारा प्रार्थना कमजोर होने के वजह से, वो भी नहीं, हालेलुया। लेकिन हमारा और एक हमें प्रोत्साहन पवित्र आत्मा दिलाता है कि हम प्रभु को रुकने लायक प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी से यरीहो में से आगे बढ़ रहा था, बहुत भीड़ उनके साथ है। हालेलुया। इतना जल्दी बाजी में जल्दी से जल्दी वो जाते वक्त भी वो बर्तिमाई का प्रार्थना के लिए मेरे यीशु मसीह ने हालेलुया वहां पर ठहरा करके हम देखते हैं प्यारो, हालेलुया। और इसका कारण भी हम देखते हैं, बर्तिमाई अंधा व्यक्ति है, वो सड़क पर भीख मांग रहा था और उसने कभी भी यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन कैसे भी हो उसने सुना है यीशु मसीह, आमेन, हालेलुया, यीशु नासरी जो है दाऊद का संतान, आमेन, इस्राएल लोगों का मसीहा, आमेन, आया है, वो बहुत बड़ा कार्य करता है, हालेलुया, बहुत चमत्कार करते हैं करके उसने सुना होगा, और उसके अंदर जो आमेन बात विश्वास दिलाया, और जो करना यीशु प्रभु ने किया, जो उनके सेवगाई उनका जो चमत्कार सुना, बस हालेलुया उसके अंदर विश्वास पैदा हो गया। हमें एक अच्छी बात है हमारे अंदर विश्वास के साथ प्रार्थना करना। ये मरकोस हमको और बताता है, तुम लोग जब प्रार्थना करते समय विश्वास से प्रार्थना करना, और प्रतिदि करो तुमको मिल गया तो मिलेगा करके हम देखते हैं। और इसका मैं आपको बताते समय ऐसा नहीं सोचता हूँ मैं आप पहली बार सुन रहे, नहीं, हम जानते ही है ये बात, हम बस याद दिलाता हूँ, हालेलुया, ताकि आने वाले दिनों में हमारे नजर के सामने हम भी और कई बातों का हालेलुया उत्तर पाए। हमें अभी बस सजी के बारे में हमने सजी का वाइफ रिनेट सिस्टर के बारे में हमने सुना है, बहुत हमने प्रार्थना किया, जब से पता चला तब से लेकर प्रार्थना कर रहे, लेकिन अभी हालत बहुत बिगड़ा हुआ है, अभी बाकी प्रभु की इच्छा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है प्रार्थना में याद रखना और विश्वास के साथ याद रखना। ये अंधा व्यक्ति का प्रार्थना और उनका जो विश्वास हमको बहुत प्रोत्साहन दिलाने वाली बात है, भले कितनी बार पढ़ा है सुना है तो भी आज मुझे बहुत आनंद दिलाता है और मुझे प्रोत्साहन मिला है, और मैं चाहता हूँ कि विश्वास के साथ प्रार्थना करे जैसे बर्तिमाई के समान। वो भी क्या है, चिल्लाने के लिए उसको कोई दिक्कत नहीं था, और वो सुना कि यीशु मसीह यीशु नासरी आ रहा है और पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। आमेन। भले वो खुद की जरूरत के लिए प्रार्थना किया है तो वादा नहीं, हमारा खुद का है तो भी चलेगा, दूसरों के लिए उससे भी अच्छा है हम दूसरों के लिए भी उनका बोझ हमारे कंधे पर उठाकर दूसरों के लिए इतना बोझ के साथ प्रार्थना करना, हालेलुया, एक मामूली बात नहीं है। जैसे शुरुआत में मैंने बताया आप लोग इतना बड़ा सेवा कर रहा है, इसलिए मैं आपको इस वचन के द्वारा प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ और आपके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी दुनिया में सब लोग अपना अपना बातों को लेकर आंसू के साथ प्रार्थना तो करते हैं, वो तो करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरों के बात लेकर
बोझ के साथ आंसू के साथ प्रार्थना करना ये तो मामूली बात नहीं है प्यारो। ऐसा भी एक दिल प्रभु ने मुझे और आपको दिया है तो हम धन्य है, प्रभु उसका फल हमको देने वाला है। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अभी या और वापस आएंगे और ये व्यक्ति अंधा व्यक्ति हमें बर्तिमाई दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। भजन सहिदा 63 से हम बढ़ते हैं, परमेश्वर तेरी दया मेरा जीवन से भी हालेलुया उत्तम है करके हमने पढ़ते हैं बस। और हमारा जीवन हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन में हम इस प्रकार देखते हैं कि हमें परमेश्वर की जो दया है हमारे जीवन से भी तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है हालेलुया। इसलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, हमारा जीवन से भी परमेश्वर की दया और करुणा उत्तम है। हम हमारे जीवन को जीवन के लिए प्रार्थना करने से भी बढ़कर परमेश्वर तेरी दया और करुणा मेरे ऊपर आ जाए, मेरे प्यारों के ऊपर आ जाए, मेरे देश के ऊपर आ जाए, यही प्रार्थना करना हालेलुया। कई बार हमारे जीवन को भी नुकसान पहुंचा कर हमको परमेश्वर की करुणा और दया हमारे ऊपर उंडेलने के लिए हमारे देश के ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है। अपना जीवन को संभालने के लिए जो लोग इच्छा रखेगा चिंता करेगा वो हमेशा अपना जीवन का सुविधा के लिए सुरक्षा के लिए हमें हालेलुया बल के लिए सोचते रहेगा। लेकिन हम परमेश्वर की करुणा के लिए चाहते समय ढूंढते समय हमारा जीवन को भी हम ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते, उल्टा जैसे प्रेरित पौलुस ने बताया हालेलुया मेरा जीवन को भी मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन मेरा हालेलुया मेरे जो सेवकाई परमेश्वर ने मुझे सौंपा है और मेरा दाऊद जो है वही मुझे पूरा करना है। देखिए हमारा जीवन से भी परमेश्वर की करुणा उत्तम है, दया उत्तम है। इसलिए हालेलुया प्रभु का दास हमें दास लोग इस प्रकार इच्छा रखकर जीवन भर सेवा में प्रार्थना में लगे रहते हैं। आप धन्य है और ऐसे लोगों का जीवन को संभालने वाला प्रभु आज हमारे साथ है, इस दुनिया में भी संभालेगा और उसके बाद स्वर्ग में भी हमारा जीवन को आत्मा को भी संभाल कर रखने वाला हमारा सच्चा अच्छा खुदा हमारे साथ है। इसके लिए मैं मेरा परमेश्वर को आपके साथ धन्यवाद करता हूँ। जैसे हम सुना हालेलुया आज तक हम जिंदा है उनकी करुणा के वजह से, हमारा खाने के वजह से नहीं, दवा के वजह से नहीं, हमारा ताकत के वजह से नहीं, उनकी करुणा और दया है। इसलिए और हम सुबह इस समय आपके रात के समय सुबह के समय हम धन्यवाद से उनके चरणों पर बैठेंगे और ज्यादा विवरण के लिए समय नहीं है करके हम जानते हैं हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु दूसरी एक गुण इस बर्तिमाई का हम देखते हैं हालेलुया, वो एक विश्वास के साथ प्रार्थना करता था, भले उसने देखा नहीं है तो भी यीशु मसीह का के ऊपर उसको विश्वास था। इसलिए उसने क्या किया, वो चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया प्रार्थना करना शुरू किया। और दूसरी बात हम देखते हैं कि ये तो चिल्लाते समय इतना भीड़ों में से कई लोग जाकर उसको हालेलुया रोकने के लिए कोशिश किया लेकिन उसने रोका नहीं है। आमेन हालेलुया। और मेरा कहने का तात्पर्य रोकने वाली शक्ति आज दुनिया में बहुत फैल रहा है, खास तौर पर प्रार्थना को रोकने वाला। बर्तिमाई प्रार्थना कर रहा था, हमारा भी प्रार्थना जीवन को रोकने वाला शैतान का शक्ति दुनिया में मंडलाते हैं, लेकिन जिनके अंदर पवित्र आत्मा है वो शैतान का शक्ति के ऊपर जय पाकर भले मोबाइल घंटी बचाओ या हमारे शरीर में दुखाव आओ, कोई भी रुकावट आओ, मेहमान आओ, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा समर्पण जो प्रार्थना के लिए है हम कभी रोकने वाला है नहीं है, हम कभी प्रार्थना रोकने वाला नहीं है, हम प्रार्थना करते रहे हालेलुया। आज पवित्र आत्मा इस प्रकार हमको सलाह देते हैं, अगुवाई करते हैं कि हमारा प्रार्थना और संगति को ये जो ऑनलाइन में हालेलुया प्रार्थना में जोड़ने के लिए एक मौका मिलता है तो इसको बराबर इस्तेमाल करने वाले सारे प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। रोकने वाला शक्ति आपका व्यक्तिगत जीवन में भी आ जाएगा, आ सकता है, लेकिन उसके ऊपर जय पाकर उसको पार कर फिर भी हम प्रार्थना में जोड़ते रहें, जैसे बर्तिमाई और चिल्लाते हुए प्रार्थना करते हुए यीशु मसीह को पुकारा हालेलुया। भले
कुछ लोग उसको डांटा, हालेलुया, देखिए ये अंधा व्यक्ति दूसरे का भीख लेकर जीने वाला व्यक्ति, डांट पड़ने से जरूर चुप होने का संभावना है, लेकिन उसने इतना विश्वास के साथ बैठा था कि कोई भी रुकावट, कोई किसी का डांट हाल उसको चुप नहीं किया, हालेलुया, और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, उसने और प्रार्थना किया। हमें भले कोई भी समस्या हमारे जीवन में का आए, रुकावट आए, प्रार्थना का उत्तर मिले या ना मिले, लेकिन हमारा पुकार बंद नहीं करना, हम पीछे ना हटना, हम प्रार्थना करते रहेंगे, हालेलुया, क्योंकि हमारा सारे प्रार्थना का उत्तर मिलने का कोई जरूरत नहीं, और प्रभु की इच्छा के अनुसार ही सब कुछ देता है, होता है करके हम जानता है, हालेलुया। जैसे एक बार पत्रस ने हमें योहन्ना 21 में हमें यीशु मसीह से पूछा, मेरा ये आपका जो चेला है जिसे आप ज्यादा प्यार करते हैं, पत्रस के मृत्यु के बारे में बताया यीशु प्रभु ने, तुमको बांधकर दूसरे लोग ले जाएगा करके, तब उसको एक इच्छा आया, मेरा साथी योहन्ना को क्या होगा, तब यीशु मसीह ने बोला, देखो वो मैं आने तक रहना है, तुझे क्या है, हालेलुया। तब और यीशु मसीह ने इस प्रकार उसको उत्तर दिया, वो तो मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है, कौन जीना, कैसे जीना, कब तक जीना, किस प्रकार मरना, वो सब उनकी मर्जी है, उसका सवाल हम नहीं कर सकता है, उसको बदल भी नहीं कर सकता है, इसका अर्थ एक अच्छा है दूसरा खराब है ये भी नहीं है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानने वाला बनकर उस हिसाब से हमारा कदम को आगे बढ़ाए। हमारा कल क्या होने वाला है करके किसी को पता नहीं, लेकिन एक बात हमको पता है, हमारा कल किसके हाथ में है करके, हालेलुया। इसलिए धीरज के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। हमें बर्तिमाई को हाल यीशु प्रभु ने और उन लोगों को ही बताया जो डांटा उसको बताया, तुम लोग उनको उसको बुला के लाओ, हालेलुया। और लोगों ने उस संदेह को बुलाकर उसे कहा, डांटस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, हालेलुया। अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। देखो उसका जो तैयारी, देखो आशीष पाने के लिए इतना तैयारी के साथ बैठा था, उसने अपना कपड़ा को जो ऊपर पहनते हैं, शायद वो ही उसका एक सुरक्षा दिलाने वाली बात है, गर्मी से या ठंडी से या कोई भी हमें दूसरी बातों से सुरक्षा दिलाने वाली बात है, वस्तु थी, लेकिन उसको छोड़कर उसने फेंक कर हमें उठकर चला गया, हालेलुया, क्योंकि उसको विश्वास है अभी मुझे इसका कोई जरूरत नहीं आएगा, क्योंकि मैं यीशु के पास जा रहा हूँ, जो प्रभु जी ने अनेक लोगों को चंगा किया है, मुझे भी चंगाई मिलने वाला है, मुझे दोबारा यहाँ पर आकर बैठने का कोई जरूरत ही नहीं है, हालेलुया। इस प्रकार आपने विश्वास के साथ प्रार्थना किया हुआ प्यारा बर्तिमाई को मेरा प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, फिर भी उसने पूछा हमें, हालेलुया, मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अभी देखिए दुनिया के लोग कई मकसद के साथ प्रभु के पीछे आते हैं, जाते हैं, लेकिन प्रभु हमारा दिल की इच्छा को जानना चाहता है, एक सच्चा दिल के साथ, सच्ची इच्छा के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करता है तो हमारा जो भी जरूरत है प्रभु पूरा करने वाला है। और एक बात मुझे अच्छा लगा, पवित्र आत्मा और सिखाया कि यीशु मसीह भी यही चाहता है कि इस व्यक्ति माई सबसे पहले यीशु मसीह को देखने का मौका मिले, दिलाए। इतना में उसके मन से, दिल से भी यही शब्द निकला कि मुझे, हालेलुया, बर्तिमाई ने बोला कि मुझे, मैं देखने लगो, हालेलुया, हे रब्बी, यही कि मैं देखने लगो, यीशु ने उसे कहा, हाले चला जा, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसको दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था, बाकी लोगों के साथ उसने भीख मांगा वो बात सही है, लेकिन अभी यीशु को मिला तो छोटी मोटी बात मांगना अच्छा नहीं है, उल्टा सबसे मुख्य बात है मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। सबसे पहले हमने हमारे माँ बाप को देखा, कई लोगों को देखा होगा, बाद में यीशु को देखा, लेकिन बर्तिमाई को ऐसा इच्छा थी, मुझे सबसे पहले यीशु को देखना है, हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसा एक इच्छा हम हमेशा रखेंगे, सुबह उठते समय मुझे यीशु को देखना है, यीशु से बात करना है। मेरा जीवन में मेरा गवाही मैंने आपको बताया होगा, मुझे भी एक इच्छा आया था एक बार मेरा यीशु को देखने के लिए,
प्रभु ने मुझे मौका दिलाया, दर्शन दिलाया, इन सारे प्रभु के प्यार के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और हमेशा यही सोचता हूँ कि कितना भी धन्यवाद करो, कितना भी स्तुति करो, कितना घंटा उनके साथ बैठो, फिर भी कम पड़ता है, ज्यादा नहीं है, लगता नहीं है ज्यादा, क्योंकि जैसे हमारे जीवन में इतना सारा हालेलुया आत्मिक हमें जीवन दिया हुआ, उन्नति दिया हुआ, आशीष दिया हुआ, हालेलुया प्रभु के साथ संबंध रखने के लिए, संपर्क रखने के लिए, उनको रिकग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए, हमें समझने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए अवसर दिया हुआ प्यारा प्रभु को हम देखते रहे, मिलते रहे, हालेलुया उनके संगति में बैठते रहे, क्योंकि हमारा जीवन हमें आशीषित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, शांति पूर्ण हो जाता है, और उनकी महिमा के लिए और आगे जीने में हमको प्रोत्साहन मिलते हैं। अभी जैसे हमारा ये जो सोसाइटी में हम रहते हैं, रेडसोन है, हालेलुया आजू बाजू में हर जगह में है कोरोना, लेकिन बस हम उनके ओर देख के बैठते हैं, उनका शरण स्थान पर बैठते रहते हैं, बाकी वो चलाने वाला है। हालेलुया हमारा जीवन में जैसे बर्तिमाई जो इच्छा रखा वो इच्छा को पूरा किया हुआ प्रभु मेरे और आपके साथ है। आज प्रार्थना सभा में आप जो इच्छा के साथ जुड़े हैं, आपकी इच्छा को पूरा करने वाला मेरा प्रभु जिंदा है। जैसे हन्ना मंदिर में जाके हालेलुया प्रार्थना करते समय वो इतना आवाज से नहीं, लेकिन उसका होंठ हिलती थी, और एली को शंका आया, ये क्या है, ये स्त्री कैसे प्रार्थना करती है। हाल उसने उसको बुरा समझा और गलत समझा, सोचा कि ये हाले नशा में है करके, मधु दात मधु पी के बैठी है करके, लेकिन हाले और इसने बोला तो एली ने उससे बात भी किया, अभी तू ऐसा क्यों बैठी है, हाले उसको डांटा, लेकिन वो रुकावट हन्ना को रोका नहीं, उसने सच्चाई बोला, जैसे आप सोचते वैसे नहीं, मैं हूँ, मैं खराब स्त्री नहीं हूँ, मैं नशा में नहीं हूँ, उल्टा मेरा दुख मेरा संकट हालेलुया मैं आपके सामने बांट रहा, प्रभु के परमेश्वर के सामने हाले बोल रहा हूँ, बांट रही हूँ करके उसने अपना अनुभव बताया। मेरे प्यारो मेरा कहने का तात्पर्य, दुख के साथ, दुख से भरा हुआ टूटा हुआ दिल के साथ जो कोई प्रभु के पास आता है, प्रभु उनको त्यागने वाला नहीं है, हालेलुया छोड़ने वाला नहीं है। यदि हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है तो जैसे मैंने यूहन्ना के बारे में प्रभु जी ने बताया, वैसे एक दूसरा अलग ऊंचा महत्वपूर्ण मकसद उनके साथ होगा, इसलिए ऐसा होता है प्यारो। और उनकी मर्जी हम समझने का कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारा एक ही इच्छा रखेंगे, मुझे यीशु को देखना है, आज मुझे यीशु को देखकर उनके वचन के अनुसार चलना है, और आखिरी में मुझे यीशु को देखना है, बादलों पर देखना है, और उनके साथ मुझे रहना है, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगा। तो जैसे यीशु मसीह हमें बर्तिमाई से कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, हालेलुया। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, हालेलुया हालेलुया आमेन। उनका जीवन तो बदल गया है और उनका विश्वास उनको चंगा किया है। आप आज जो भी विश्वास के साथ इस संगति में आपका जरूरतों को लेके आया है, मेरा प्रभु आपको बताते, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, आपका समस्या को हाल कर दिया है, रुकावट तोड़ दिया है, बंधन तोड़ दिया है, शांति दे दिया है, शरीर में चंगाई दे दिया है। इस चंगाई के साथ चला जाने के लिए मेरा यीशु मसीह हमको बताता है, हालेलुया। और इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपको तसल्ली दिलाए, हालेलुया। जैसे बर्तिमाई चंगा होने के बाद देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया, यीशु मसीह के पीछे हो लिया, अभी हम भी उनके पीछे चल रहा है, हर एक वचन के अनुसार जितना हो सकता है पालन कर कदम बढ़ाकर हम यीशु के पीछे पीछे चल रहा है। हमको पता है हम यीशु प्रभु के पास पहुंचने वाला है, हालेलुया। हमारे लिए लक्ष्य स्थान है वो, दुनिया का कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई देश नहीं, उल्टा हमारा लक्ष्य एक हमारा स्वर्गीय स्थान है, हालेलुया। इसलिए मैंने एक बार गाया, एक लक्ष्य मेरे आगे है, वो दुनिया में कुछ भी नहीं है, एक घर मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए तैयार कर रहा है, वही मेरा लक्ष्य है करके हिंदी में भी गाने के लिए प्रभु ने मौका दिलाया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु प्रत्येक को आशीष दे,
समय समाप्त होने से मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जीवन में बाकी कार्य करे और आपको आशीष मिले। अवसर दिया हुआ प्रभु का प्रिय दास अजन ब्रो और दासी अभिजी सिस्टर, आपका प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों का प्रार्थना के लिए धन्यवाद, अवसर के लिए भी धन्यवाद। प्रभु का दास सामचरियान धन्यवाद। प्रभु आपको परिवार के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच पास्टर अंकल। आप लोग आपने बहुत सरल रीति से कितने अच्छे तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा हमसे बात किया, परमेश्वर बात किया, परमेश्वर ने उनके हृदय में जो बोझ और भार जो परमेश्वर ने दिया वो हमसे उन्होंने भागित कर हमसे कहा कि देखो हम जिस प्रकार इस भर्तिमाई ने जिस प्रकार जब यीशु मसीह को देखने के लिए कहा कि हे देखते समय कहा कि हे दाऊद